नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद जोगी सरकार। आंदोलन करेंगे, आंदोलन ने माला भरा, पहले माला टूटी और रोड टूटो, रेत डाली हुई है नीचे। जालो साइला वाया रेवतड़ा नई सड़क का निर्माण होने के 15 दिन में टूट जाने को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। साइला उपखंड क्षेत्र में बने जालो साइला वाया रेवतड़ा सड़क मार्ग में घटिया निर्माण के चलते बनने के 15 दिन में टूट जाने से ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन कर सड़क पुनर्निर्माण करने की मांग व जाँच करवाकर पुनः सड़क को ठीक करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार द्वारा बजट घोषणा में जालोर साहिला वाया रेवतड़ा सड़क मार्ग का डामरीकरण की घोषणा की थी, जो पिछले 15 दिन पहले ही सड़क बनी थी वह जगह जगह से टूट गई है। ऐसे में सोमवार को ग्रामीणों ने रेवतड़ा में अस्पताल के आगे जालोर साहिला सड़क पर मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया व सड़क निर्माण कार्य की जाँच की मांग की। सूचना पर साहिला पुलिस मौके पर पहुंची व अवरुद्ध सड़क को सुचारू करवाया गया। वह सार्वजनिक विभाग के कनिष्ठ अभियंता कान सिंह मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर 7 दिन में सड़क निर्माण कार्य को ठीक नहीं किया गया तो पुनः सड़क जाम की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ग्रामीणों ने कांग्रेस सरकार व जालोर विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसी तरह रेवतड़ा ग्राम में मुख्य तिराहे पर बाकरा जाने वाले सड़क पर पानी का ज्यादा भराव होने से ग्रामीणों व विद्यालय जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो सक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान आरआई गलबाराम, पटवारी रिंकू, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जोगराज, पवनी मेघवाल, खीमराज, कैलाश राज पुरोहित, परशुराम जोमोनी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कांग्रेस तेरी ताना जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुद्दा बहुत जगह से ग्रहण। साइन अटक। रेल वाया सोपाड़ा केसवना आलासन रेतड़ा वीराना रोड एक महीना हुआ है, जैसे हकपन कर आंदोलन ने माला भरा है, पहले माला टूटी और रोड टूटो पुरो है। और पीडब्ल्यूडी वालों ने भी बोला है, उन्होंने भी धगे वादा की थी कोई रोड की कार्रवाई नहीं रही है, न एमएलए आवे रिया है, न अटारा कोई जनप्रतिनिधि बार आया है, पवनी जी आया है, जैसे जिला जी आया है, आया है और रेतड़ा सरपंच है, रेतड़ा युवा मंडल द्वारा और रोड जाम रही चेतावनी दे रिया में। अगर वो रोड जो सही ढंग की पसो नहीं बनी हो तो आवा वाला समय में न्याय थी और कानून व्यवस्था रे हाथ जुड़े ने सक्का जो हम करेगी रेतड़ा को हमने। आ मोंग मोरी विधायक है, जैसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार तक पोसावनी कम आप मीडिया वाला आया और रेतड़ा गोमरे युवा वाला तरफ दी मीडिया वालों ने बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। लिखित में दिया आपने कोई? लिखित में आज पीडब्ल्यूडी के हमारे उसका कोई जवाब नहीं है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल लेटर जारी करेंगे आपको कि किस प्रकार से वापस रोड बनाएंगे, इसलिए हम उनके लेटर के इंतजार में हैं। नहीं तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पूरा चक्का जाम करेंगे और उसके साथ रेतड़ा गांव, रेतड़ा का युवा मंडल, हमारे आसपास के छोटे मोटे सब बड़े गांव, वीराना गांव, आलासन, केसवना, साइला, सब गांव मिला के हम लोग चक्का जाम करेंगे। रेवतड़ा वाया अपने साइला से ये रोड निकलती है, रेवतड़ा बिराना आलासन केसवरा होके जालोर, तो मतलब मेरा कहना ये है कि ये रोड 10 दिन में टूट गया है। आगे आगे रोड बन रहा है और पीछे पीछे रोड टूट रहा है। मैंने एक दो बार शिकायत की माननीय जिला परिषद सदस्य जोगराज जी ने भी, प्रतिनिधि जोगराज जी, उन्होंने भी अभी बात की जिला परिषद की बैठक थी उसमें भी इन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन माननीय जी ने इनके मुद्दे को दबा दिया और उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ठीक करवाएंगे, लेकिन वो महीना भर होने को आया है, अभी तक इसका कोई आश्वासन नहीं मिला है। जिला परिषद माननीय, मैंने जिला परिषद से बात की अगर ये रोड अपन धरना दे, लेकिन आपने ये बात की उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, तो जल्दी रोड ठीक करवाएंगे, लेकिन इन्होंने रोड ठीक करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन ठीक नहीं हुआ है। मेरा कहना ये है और आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है जो इस रोड के किनारे जो भी गाँव लगे हुए हैं वो आए हुए हैं और ये धरना दिया हुआ है, तो हमारा कहना यही है और गांव वालों का कहना यही है कि ये रोड जल्दी वापस नया पीढ़ी बने और नए सिरे से वापस ये रोड बनाया जाए, नहीं तो हम 7 दिन का इनको आश्वासन देते हैं कि आप 7 दिन में हमको जो भी लिखित में आपके पास है हमें एस्टिमेट बताइए और किस तरीके से ये रोड होना चाहिए वो रोड हमें बताए, नहीं तो 7 दिन के बाद उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन। सब ग्रामवासियों का यही कहना है कि रोड जाम करेंगे, तो मेरा कहना यही है और अपने जो
ठेकेदार है और पीडब्ल्यूडी जो एक्शन एसी साहब है उनसे भी मेरा कहना है कि आप जल्दी इस ग्रामीणों से बात करें और ये तुरंत इस रोड पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ये नया रोड बना के ग्रामीणों को। रोड के बारे में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने जिला परिषद में मुद्दा उठाया था तो अनिल जी और गिरीश जी ने उठ के हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि मैं बहुत ही शीघ्र करवाऊंगा, लेकिन आज दिन ज्वाला माता मंदिर रोड की कोई कार्रवाई नहीं है। हल्दिया माधे वाले रोड की 5 साल की ठेकेदारी में काम किया था लेकिन 1 साल में रोड टूट गया, अभी ये 1 महीना नहीं हुआ है और रोड पूरा टूट गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और हम लोग मतलब कई दिनों से ये कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी को मतलब सूचना भी दी थी 2-3 बार लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं, आश्वासन देके जाते हैं वापस नहीं आते। भवलाल जी ठेकेदार ने काम किया था तब अनिल जी ने मैंने बोला था उसका पेमेंट नहीं करना चाहिए, काम सही नहीं किया है तो उन्होंने शीघ्र कमीशन के हिसाब से पेमेंट किया है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, काम सही होना चाहिए। हमारे को कोई किसी व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है। राज जी और आप पधारे, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने काम किया है ये रोड डामर हटा के, तो उसमें मटेरियल बिल्कुल कम डाला इसलिए जा रहा है ये रोड दोनों तरफ बजरी नहीं है, इसमें रेत डाली हुई है नीचे और न उन्होंने मैंने 16-10 दिनों में ठीक हो नया रोड चाहिए, लिपापोती नहीं चाहिए, पोस पोस्ट तो थोड़ा है और नीचे बजरी डाली है उनको सैक होना चाहिए जरूरी। आप सरपंच प्रतिनिधि है जी, इसको लेकर आपने क्या प्रयास किया है? हमने बेबार एक्शन चापार का पूछा था, मैं अगर आगे भी ये रोड ठीक नहीं होता तो आप क्या करेंगे? धरने पे बैठेंगे और जयपुर जाएंगे और तो क्या करेंगे। बिजली नहीं डाल रहे इधर, पब्लिक को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, रोड पानी की समस्या, मीठा पानी नहीं आता हमारे गांव के अंदर और लाइट की समस्या है, 24 घंटे के अंदर कम से कम 8 घंटे ही लाइट आती है, बाकी लाइट नहीं आती।